नमस्कार, सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें तत्कालीन राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। आमंत्रितों में 4 पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे अमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। तत्कालीन राज्य के 4 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों कांग्रेस नेता ताराचंद, पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग और भाजपा नेता निर्मल सिंह कविंद्र गुप्ता को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर है, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आए एके शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश भाजपा को उपाध्यक्ष बनाया गया। एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा में हुई लगातार बैठकों के बाद एके शर्मा को लेकर यह फैसला लिया गया। पहले माना जा रहा था कि एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वह बनारस में कोरोना संकट से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने में शामिल थे। और खास तौर से लोजपा में घमासान चल रहा है। लोजपा पार्टी अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस ने पार्टी की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। पशुपति पारस द्वारा घोषित की गई नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि लोजपा की जो पुरानी कमेटी थी वो राष्ट्रीय हो, प्रदेश की हो, जितने भी प्रकोष्ठ हैं सबके तत्काल रूप से भंग किया जाता है। नई छोटी से बड़ी कमेटियां तत्काल कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें 8 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनाई गई है। अब जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब काफी ढील दी गई है, खासतौर से कोरोना काल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में तत्काल रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से 2 घंटे की और छूट देने का फैसला किया है। अब सप्ताह में 5 दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुलेंगे, यह जानकारी राज्य के सचिव ने दी है। नए निर्देश के अनुसार राज्य में सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक निश्चित क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहने वाली है। और इस बीच हम चलते हैं अपने खास खबर की ओर, जहां केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया मंचों से कहा है कि वे बोलने की आजादी और लोकतंत्र पर भारत का भाषण न दें, और दोहराए कि अगर लाभ कमाने वाली कंपनियां भारत में कमाई करना चाहती हैं तो उन्हें भारत में इसके संविधान और भारतीय कानून को पालन करना होगा। सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा एवं अपराध न्याय प्रणाली सुधार एक अधूरा एजेंडा विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश सोशल मीडिया के तत्काल इस्तेमाल से संबंधित नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के मंच से दुष्प्रयोग और गलत इस्तेमाल से निपटते हैं। जहां दिल्ली में खासतौर से स्कूलों की हम बात करते हैं, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं गिरावट के साथ ही, अब राज्य सरकार ने अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को स्थापित करने का फैसला कर लिया है और उसकी प्रक्रिया को शुरुआत कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ अन्य कार्यक्रमों में अपने हिस्सा लेने के लिए कुछ विकास परियोजनाओं को उद्घाटन करने के लिए 21 जून को अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यमल व्यास ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को यहाँ आएंगे, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि मंगलवार सुबह भी वो यहीं रहेंगे, और जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि भाजपा चाहे जिस चेहरे पर चुनाव लड़े लेकिन जनता उसे सत्ता से बाहर कर देगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने सफाई में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी चुनाव से पूर्व किए गए किसी वायदे को पूरा नहीं कर पाए। जनता भाजपा से यह जानना चाहती है कि पिछले संकल्प सत्र में उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया। और इस बीच अब क्रिकेट की खबरों की ओर चलते हैं, जहां स्नेह राणा नबाद 80 के अर्धशतक से भारत ने शनिवार को चौथे और अंतिम दिन इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ करा दिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 9 विकेट पर 396 रन की घोषित की थी, जिसके बाद में भारतीय टीम पहली पारी में 231 रन पर सिमट गई। मेजबानों ने उसे फॉलो ऑन दिया था। भारत ने अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 8 विकेट पर 344 रन बनाकर ड्रॉ करा दिया। इसमें स्नेह और तानिया भाटिया नवाज 44 रन के बीच 9वें विकेट के लिए भारत की 104 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी ने अहम भूमिका निभाई।
अब हम आते हैं फिल्म की खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभिनेता अमोल पराशर ने हाल ही में एक विज्ञापन में अभिनेत्री सारा अली खान के साथ नजर आए। उन्होंने बताया कि हालांकि वक्त की कमी के चलते दोनों को एक दूसरे को जानने का उतना मौका भले ही नहीं मिला हो, लेकिन उन्हें आपस में तालमेल बिठाने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। अमोल ने बताया कि हमने साथ में सिर्फ एक दिन शूटिंग की, यह वक्त काफी नहीं है हम एक दूसरे को जान पाए या दोस्त बन जाए, लेकिन स्क्रीन के लिए आपको एक निश्चित कंफर्ट लेवल की भी जरूरत पड़ती है। इस गुण का होना कलाकार में बहुत जरूरी है। आपस में खुद को कितना कंफर्टेबल पाते हैं, मैं कहना चाहूंगा यह आसान रहा, स्क्रिप्ट और किरदार के मुताबिक ढलने में हमने ज्यादा वक्त नहीं लिया। जहाँ दोस्तों, तो ये सुबह की फटाफट खबरें, और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे खबर आपको यही मिलेगी। नमस्कार।